पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ ख़त्म किए थे और उस वीडियो में देख रहे थे कि एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक स्लैब इन द गैप क्या होगा। तो रिजल्ट हम लोगों ने देखा था और ये आज हम लोगों को डायलेक्ट्रिक स्लैब के जगह यहाँ पर हमको यूज करना है। क्या यूज करना है? तो बेसिकली मेटेलिक स्लैब, आज हमको इसमें मेटेलिक स्लैब यूज करना है। मेटलिक स्लैब में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटलिक कंडक्टर इज जीरो। और ये जीरो क्यों होता है तो ये भी बता दें कि इंडक्शन से है ना सरफेस पे चार्ज इसमें उतना ही आ जाता है जितना इस बॉडी पे है, यानी इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और इधर का दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर दे तो अंदर मेटलिक कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ओके, बाद बाकी मेटलिक कंडक्टर का थिकनेस आपने टी ही रखा है, वो गैप वाला क्राइटेरिया इधर से एक्स उधर से वाई एग्जैक्टली मिडिल में है कि नहीं ये हमको पता नहीं है, पूरा डी हो गया तो ऑब्वियस है कि एक्स प्लस टी प्लस वाई इज इक्वल टू डी हम लिख पाएंगे, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी माइनस टी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए हमने जो डिस्कशन किया था विथ डायलेक्ट्रिक स्लैब, अब वहाँ पर कहाँ क्या हटेगा? तो देखिए यहाँ पर हमको ये ई की जगह पर जीरो पुट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और अगर इसको जीरो पुट कर दिया तो ये पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये पार्ट ख़त्म है ना, तो हमको यहाँ से आगे कैलकुलेशन बहुत दिक्कत वाला नहीं होगा। जैसा कि आप देख लीजिए, आप इसको भी इज इक्वल टू आप लिखेंगे ई नॉट मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ओके, जो कि क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी हो जाएगा। यानी आप यहां से भी बाय क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे देख लीजिए, डी माइनस टी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और तब यहां से क्यू बाय भी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी जो कि सी के बराबर हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस आपका इतना आ गया। अभी पिछले वाला कैपेसिटेंस जो ऑप्टेन किए थे उसमें अगर टी के वाला टर्म हटा देते, क्यों? क्योंकि मेटलिक कंडक्टर केस में, यहाँ से भी रिजल्ट में आ सकते हैं, मेटलिक कंडक्टर के केस में के का वैल्यू इन्फिनिटी, तो टी बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाता, मतलब ये अपने आप आपको मिल जाता। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी हमको डिस्कशन करना है कि कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा, क्या हुआ। यहाँ पर आपको साफ दिखेगा, क्या दिखेगा, कि d माइनस टी लेस देन d होगा, d माइनस टी लेस देन d होगा। और तब अगर हम यहाँ पर ठीक है क्या करें, ए एप्सिलॉन रेसिप्रोकल पहले फाइंड करें, तो रेसिप्रोकल फाइंड करने के साथ ही साथ इनइक्वलिटी इन्वर्स हो जाता है, ऐसा हो गया। अभी आप यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये तो आपको एक नया कैपेसिटेंस, अच्छा पहले ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को सी मान चुके हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी प्लस टी बाय के को सी डैश मान चुके हैं, इसको सी डबल डैश सी डबल प्राइम मान लीजिए, है ना। तो ये क्लियर हो गया, इसको हमने सी डबल प्राइम माना, कैपेसिटेंस इस केस में भी इंक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस इस केस में भी इंक्रीज कर रहा है, एकदम तय है, क्लियर है। ओके, अभी अगर पूरी तरह से फिल करेंगे तब क्या होगा, ठीक है, गैप को पूरी तरह से अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर देंगे तब क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर C डबल डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी लिखेंगे, डी माइनस डी, और डी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी इस केस में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब क्या कि वो कैपेसिटर कभी फुल्ली फुल ही नहीं होगा, आप उसमें भरते रहिए, क्यों? क्योंकि आपने बीच में कंडक्टर लगा दिया है तो क्या होगा, जो चार्ज आप पॉजिटिव वाले प्लेट पे देंगे वो लिक करके नेगेटिव से अर्थ में चला जाएगा क्योंकि आपने अर्थिंग की हुई है। ये ठीक उसी तरह से होगा
जैसे एक बकेट टेप के नीचे रख दें, सोर्स से जोड़ दें और नीचे जो है उसमें होल कर दें। अब उस बकेट को पूरी तरह से फिल करना चाह रहे हैं, क्या वो बकेट किसी भी ड्यूरेशन के बाद फुली फुल हो पाएगा, पूरी तरह से भर पाएगा? आपका आंसर जो वहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, यानी उस केस में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर बकेट में डाल दे तब भी बकेट फुल होने वाला नहीं है। और यहाँ भी अगर इनफाइनाइट चार्ज हम कैपेसिटर को प्रोवाइड कर दें तब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होने वाला। ओके, ये बातें क्लियर हैं। अभी एक बात और आपके मन में आ रहा होगा कि भाई क्या होगा, क्या होगा मतलब अगर हमारे पास एक सी मिले, ठीक है, एक आपका सी डैश मिले और एक सी डबल डैश मिले, इन तीनों के बीच में संबंध क्या होगा, कौन सबसे ज़्यादा होगा? ठीक है, तो ये तो आपको मालूम है कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, ठीक है, ये आपने निकाला था ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत क्लियर मैं बताना चाहूँगा कि डी जो है ना, यहाँ पर बिगर है डी माइनस टी प्लस टी बाय के से, और ये बिगर है किससे, तो डी माइनस टी से, ये टी डी माइनस टी सबसे छोटा होगा क्योंकि डी माइनस टी में कुछ जोड़ रहे हैं तब ये डी माइनस टी प्लस टी बाय के हो रहा है, और इसमें फर्दर कुछ जोड़ दे रहे हैं तो ये बन जा रहा है, सबट्रैक्शन वाला टर्म खत्म हो जा रहा है। यानी आप अगर 1 बाय डी लिखते हैं, 1 बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के लिखते हैं और 1 बाय डी माइनस टी लिखते हैं, तो ये इनइक्वलिटी है ना कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये इनइक्वलिटी ऐसा हो गया तो ए एब्सोल्यूट नोट से सबको मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वलिटी भी ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो जान लीजिए कि अगर सेम थिकनेस का डायलेक्ट्रिक या मेटलिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं और एयर गैप के साथ कंपेयर करते हैं तो एयर गैप में कैपेसिटेंस सबसे कम, डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस और इंक्रीज करेगा और मेटलिक स्लैब के साथ वो भी सेम थिकनेस का कैपेसिटेंस फर्दर इंक्रीज करेगा।